पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन बाबू जो कहते हैं वो बड़े नेता है, केंद्र का भी है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उनको इस तरह की बात आ रहा है समझ में तो बड़े नेता है, बड़े नेता से बात करें इस संबंध में। रही पकड़ने की बात, व्यक्तिगत घर में कौन क्या करता है उसको ताक झांक करने को किसी को राइट नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि मद्य निषेध विभाग का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें विनोद गुंजियाल प्रधान सचिव मद्य निषेध विभाग के द्वारा क्या क्या कार्रवाई हुई उसकी पूरी लिस्ट जारी किया, और उन्होंने पूरे मामले पर बताया कि कितने गाड़ियां जब्त हुई, कितने शराब जब्त हुए, कितने लोग पकड़ाए हैं, ये बारी बारी से उन्होंने बताया। तो वहीं मद्य निषेध विभाग मंत्री रत्नेश सदा ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े माफिया और बड़े अधिकारियों के द्वारा घर पर शराब मंगा कर पिया जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और यदि वही दूसरे कोई यदि दलित के लोग जाके यदि शराब पीते हैं तो उन पर एक बोतल भी पकड़ाने पर उन पर कार्रवाई की जाती है। इस तरह का बयान पर रत्नेश सदा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन यदि किसी के घर में यदि शराब जाता है और वो घर में जाकर बैठ के पी रहे हैं तो किसी का ये हक नहीं है कि उसके घर पर कोई जाकर और उनके घर पर ताक झांक करे, ये किसी का अधिकार नहीं है। यदि किसी सूचनार्थ वो यदि पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का बड़ा बयान देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी बचने नहीं वाला है, कोई भी नहीं बचेगा, चाहे बड़ा अपराधी हो चाहे छोटे अपराधी। बिहार में शराबबंदी है और जो भी शराब पिएगा या शराब बेचेगा दोनों बक्से नहीं जाएंगे। इस तरह का बयान देते नजर आए और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। जो शराब कानून है उसके तहत दलितों को ही निशाना बनाया जा रहा है, बड़े बड़े जो माफिया है वो बच जा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक टिप्पणी की कि अधिकारी पी रहे हैं, कलेक्टर पी रहे हैं, जज पी रहे हैं, थानेदार पी रहे हैं, सब के पास अवेलेबल है, लेकिन आम वो दलित को इसमें फंसाया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। सरकार इसमें समीक्षा की आवश्यकता है। मैं पहले सब जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के कर्मी है, सूचना भवन में सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन बाबू जो कहते हैं वो बड़े नेता है, केंद्र का भी है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उनको इस तरह की बात आ रहा है समझ में तो बड़े नेता है, बड़े नेता से बात करें इस संबंध में। रही पकड़ने की बात, व्यक्तिगत घर में कौन क्या करता है उसको ताक झांक करने को किसी को राइट नहीं है, व्यक्तिगत मामला है। अगर उसमें पकड़ा जाते हैं, जैसे मुंगेर का मामला आया सामने 10 बजे रात में, डॉक्टर दारू पी रहा था, उसको तुरंत मालूम हुआ, पकड़ा गया, और जिस घर में जो चाहे जज हो कि अफसर हो चाहे कोई पदाधिकारी हो छुपा कर पीता है, उसमें अगर देखा जाएगा तो जो पकड़ा जाता है उसको डेट की सजा होती है, और जो नहीं पकड़ाते हैं तो बच ही जाते हैं। रही सवाल मांझी जी जो कहते हैं दलित के बारे में, मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार हम 11 तारीख से जगत जननी मां सीते की धरती से भवन कार्यक्रम स्वच्छ जागरूकता अभियान के तहत अभी तक 5 जिला में हम सामाजिक जागरूकता अभियान किए हैं, उसमें जात सभी धर्म सभी जात के नौजवान को आमंत्रित करते हैं, और उसके माध्यम से हम समाज में एक संकल्प और शराब को ना कहना है और शिक्षा से जुड़ने का
काम हम कर रहे हैं, अभी तक 5 जिला हम कर चुके हैं और हमको लगता है पूरे बिहार में हम करेंगे इस तरह के कार्यक्रम। सर गुंजाल सर, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, प्लीज इसको थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोगों को करना चाहूंगा। अभी तक जो राजस्व संग्रहण हुआ है इस वित्तीय वर्ष के लिए हम लोग का जो टारगेट है वो 7,500 करोड़ का है और अगस्त माह तक हम लोगों को लगभग 2,869 करोड़ की प्राप्ति हो चुकी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में इसी समय तक लगभग 15% हम लोग अभी तक ग्रोथ बढ़ोतरी में है। अभी एक नया हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और ट्रायल उसमें है, अभी हम लोग नया सॉफ्टवेयर ई निबंधन हम लोगों ने लागू किया है, तो ई निबंधन में अभी जैसे कि बार बार आपको जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ई निबंधन के माध्यम से वो जो बार बार लोगों को सर्विस इसके लिए जाना पड़ता है निबंधन ऑफिस में, उसको कर्टेल करके ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जिसमें अगर आपको जिसमें स्टाम्प फी कैलकुलेशन की फैसिलिटी है, आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आपको एक बार ऑफिस में जाना पड़ेगा, वो भी तब जब आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है और इकरार करना है, यानी रजिस्ट्रेशन का जो इकरारनामा है उस पर साइन करना है, सिर्फ उसी के लिए एक बार आपको जाना है, अदरवाइज फिर बाकी सारी चीजें आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अभी ये हम लोगों ने लगभग पहले चरण में 5 ऑफिस में चालू किया था, जिसमें जहानाबाद, दानापुर, पटना सिटी, फतुहा और बेटा में ये किया था हम लोगों ने लगभग जुलाई के अंतिम कार्य दिवस पे, और अभी 11 और निबंधन कार्यालय हम लोगों ने लिए हैं जहां इसको अभी शुरू किया है, विक्रम में, फुलवारी शरीफ में, मसौड़ी में, संपतचक में, बाड़ में, रजौली में, पातेपुर में, कटरा में, सोनपुर में और पीरो में, तो लगभग 16 ऑफिस में ये अब प्रारंभ हो गया है। और इसमें जो थोड़ी बहुत जो टेक्निकल समस्याएं आ रही है उसके निराकरण के लिए हम लोग अभी जो टेक्निकल टीम है उसके साथ लगातार हम लोग ये कर रहे हैं और जल्दी इसको पूरे बिहार में भी लागू करने के इसमें है हम लोग प्रयास में है और उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्द से 1 महीने के अंदर हम इसको लागू करेंगे। इसमें एक जैसे आप लोगों को जानकारी होगी अभी सर्वे का काम भी चल रहा है, तो राजस्व के साथ भी ई निबंधन जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको कैसे जोड़ा जाए ताकि निबंधन के साथ साथ म्यूटेशन या उससे दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में लिंक स्थापित हो, उसमें राजस्व भूमि सुधार विभाग से हम लोग कोऑर्डिनेशन में है और इसमें लगातार कुछ समय में आप लोगों को अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है डिजिटाइजेशन।